अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं चिकन और आलू के कटलेट्स। इसके लिए मैंने गरम मसालों में लिया है दालचीनी, तेज़पात और सूखा धनिया। मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, ये 4 से 5 हैं, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। कुटी हुई मिर्च का मैंने लिया है, लाल कुटी हुई मिर्च का मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लहसुन और अदरक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1.5 प्याज था ये मेरे पास, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। धनिया भी मैंने बारीक काट के पानी में भिगो दिया है। इसके लिए मैंने 5 से 6 जो है आलू लिए हैं, इनके मैंने पील कर लिया था और इनको एक दफ़ा बॉईल करने के बाद मैंने इस तरह निकाल लिया है बास्केट में। चिकन तकरीबन मैंने लिया है 400 ग्राम्स। इसमें हम मसालों में ऐड करेंगे गरम मसाला जो घर का कुटा हुआ है वही हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन और आलू जो हैं ये अच्छी तरह घुल जाएँ और इनका हमारे पास जो बैटर हो वो फाइन सा तैयार हो जाए। अब हम इनकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। मिक्सिंग के लिए हमने ये डेगची ली है, इसमें अब हम अपने जो सारी चीज़ें इसको ऐड करते जाएंगे। हम आलू ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर देंगे। पानी की हम इसमें क्वांटिटी जो है बस इतनी रखेंगे कि ये भीग जाए, क्योंकि हमने ये जो पानी है इसको ड्राई करना है। इसमें अब हम प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें अब हम नमक शामिल करेंगे, ये तकरीबन हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, ये भी हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं और हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, ये हम 1/2 टेबल स्पून यूज़ करें। साथ ही हम लाल कुटी हुई मिर्ची इसमें डाल देंगे और अब इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो पानी है और उसी पानी में हमारे आलू और जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाएं। ये देखिए चिकन और आलू के कटलेट्स को रखे हुए तकरीबन हमें 30 से 45 मिनट्स का जो है टाइम हो चुका है। अब हम देख लेते हैं आलू और चिकन की क्या कंडीशन है। ये देखें, ये बेहतरीन जो दोनों चीज़ें हैं ये गल चुकी हैं। अब हम इसका ये जो रिमेनिंग पानी है ये आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको अच्छी तरह एवेपोरेट कर लेंगे। गरम मसाला जिसमें साबुत हमने डाला था उसको हम साइड पर निकाल लेंगे। आंच जो है मैंने तेज़ कर दी है, आप देख सकते हैं पानी कितना अच्छा ड्राई हो रहा है। इसमें हम पानी ज़्यादा बिल्कुल भी इनके थोड़ा सा भी नहीं रखेंगे क्योंकि आलू जो होते हैं पहले ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अगर इसमें थोड़े से भी हम मॉइस्चर को रखेंगे तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो सही नहीं बन पाएंगी। इसलिए हम इसको साथ ही ड्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको साथ ही कूट लें या चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। हमने इसमें नमक और मिर्च करारी रखी हैं, आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि बाद में हम इसको ग्राइंड कर सकें। जो हमारा बैटर था इसको मैंने हाथ से ही मसल के इस तरह इस फॉर्म में ले आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी। मज़ेदार आलू का जो बैटर है हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जो मैंने टिक्कियाँ हैं ये इस तरह रेडी कर ली हैं। अब मैं इनकी फ्राइंग करती हूँ। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था।
देखिए टिक्की के ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए चिकन और आलू के कटलेट्स जो हैं ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये अब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।